हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये एक सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट ईयर का है, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आपके लिए मैं आज बताने वाली हूँ बेस्ट बुक और उसके नोट्स आप कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जिससे टीचर आपके नोट्स देखकर बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे उससे, और आपको वो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। फ्रेंड्स, मेरे पास डीडी बासु तो नहीं है, पर अगर आपको भी मार्केट में डीडी बासु नहीं मिलता या फिर डीडी बासु कुछ बच्चे परचेज नहीं कर पा सकते हैं, तो वो उसके प्लेस पर एस नारंग इस ऑथर की बुक खरीद सकते हैं। मेरी इस बुक पर MRP 200 लिखा है, पर ये मार्केट में कम की मिल जाएगी। तो ये बुक में भी सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, आप टॉपिक्स इसमें देख सकते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। आपको दूसरी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे फर्स्ट ईयर में ये दोनों सेमेस्टर के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप अपने नोट्स में थिंकर के नाम ज़रूर डालिएगा, और जो भी उनकी बुक होती है और उनका सन होता है वो भी आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि वो भी आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत मदद करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको थिंकर्स के नाम तो ज़रूर ही डालने चाहिए उसमें। अब चलिए नोट्स की बात करते हैं। तो आप जब भी अपने नोट्स बनाएं किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उसमें सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूर उसमें, क्योंकि एक इंट्रोडक्शन से ही एक टीचर को पता लगता है कि अंदर आंसर में क्या होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन लिखना ना भूलें, और उसके बाद उस टॉपिक के जो भी विकास यात्रा रही है या फिर इतिहास रहा है, अवधारणा रही है, वो भी आप उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। और जो भी आपसे फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर आपको उसका आंसर देना है 2 से 3 पेज में, और लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन ज़रूर लिखना है, क्योंकि बिना कॉन्क्लूजन के आंसर पूरा नहीं माना जाता है। तो प्लीज़ आप कॉन्क्लूजन ज़रूर लिखें अपने आंसर में, तभी वो आंसर पूरा होगा और आपका पूरा एक टॉपिक रेडी होगा। या फिर आप अपने एग्ज़ाम में भी अगर आप लिख रहे हैं आंसर, तो उसमें भी कॉन्क्लूजन लिखना ज़रूर, क्योंकि बिना कॉन्क्लूजन के आपके मार्क्स बहुत ही कम मिल सकते हैं आपको। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको फिर भुगतने ही पड़ेंगे, और इस तरीके से आप अपने नोट्स बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।